है, मतदान चल रहा है, कितनी उम्मीद देख रहे हैं अब समाजवादी पार्टी? देखिए, वोटिंग शुरू हो गई है और हमारे एजेंट बूथ पर पहुंच चुके हैं और वोटिंग शुरू हो गई। अब बड़े मार्जिन से डिंपल यादव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांटे की टक्कर है, तो क्या पिछली बार से इस बार ज्यादा मेहनत करना पड़ रही आप लोग? देखते रहिए, यहाँ पर 1 लाख से ऊपर जसवा नगर से, इसी तरीके से करहल, इसी तरीके से मैनपुरी, इसी तरीके से किसनी, इसी तरीके से बहगाम। आरोप प्रत्यारोप भी लगे, आपकी तरफ से भी कहा गया कि प्रशासनिक अमला जो है वो वोटों को प्रभावित कर रहा है, आपके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। देखिए, प्रशासनिक जैसे ही चुनाव शुरू हुआ उसी दिन से, पहले ही दिन से गड़बड़ियाँ करना चाहते थे, तो उसी व्यवस्था में तो हम लोग लगे रहे। आज भी 2:30-3 बजे तक हम पीछे पीछे पुलिस और इनके पीछे लगे रहे। चुनाव के दौरान ये भी हुआ कि आपकी ये भी चर्चा सामने आई कि आपकी जो जांच है वो तेज की जाएगी, आपकी सिक्योरिटी कम की गई, आपका बंगला कहा गया खाली कराया जाएगा। कहीं पर नियमानुसार पूरा का पूरा काम किया है, कहीं गड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छा और बेहतर काम किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तो ये थे शिवपाल सिंह यादव, जिनका कहना है कि मैनपुरी में जिस तरह से जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर वो काफ़ी उत्साहित हैं और उनका कहना है कि प्रशासनिक अमला, हालांकि उनका ये इल्ज़ाम है कि प्रशासनिक अमला लगातार उनके कार्यकर्ताओं को परेशान करता रहा, लेकिन इस बार जीत उनकी जो मैनपुरी में जो चुनाव चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उनकी उम्मीदवार जो डिंपल यादव हैं वो बेहतर प्रदर्शन करेंगी। कैमरामैन आशीष के साथ फरमान अब्बास, इंडिया न्यूज़, सैफई।